प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ पहुंचकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। रैली को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस वे की खासियतों के बारे में बताया, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कमान में कार्य किया गया है वह अभूतपूर्व है। बड़े बड़े अपराधियों की स्थिति क्या है ये आपको भली भांति पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास उत्तम वातावरण बनाने का प्रयास किया। अपराध पर नियंत्रण लगाकर, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाकर योगी जी ने बड़े से बड़ा निवेश लाने और छोटे से छोटे उद्यमी के लिए व्यापार को सुलभ बनाने का काम किया। किसान हो या नौजवान हो, महिलाएं हो या पीड़ित शोषित वंचित वर्ग हो, सभी के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर योगी जी की सरकार आपकी सेवा में डूबी हुई। पहले के 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जिस तरह की पहचान बन गई थी वो पहचान अब बदलने शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूरे यूपी विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। लखनऊ से लेकर गाजीपुर के बीच 340 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी शहर कस्बे और गांव आएंगे वहां की तस्वीर बदलने जा रही है। सब्जी दूध कम समय में दिल्ली की मंडियों तक पहुंच पाए। एक प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। इस पूरे एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द नए उद्योग विकसित होंगे। भविष्य में यहां शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे तमाम संस्थाओं की संभावना मैं देख रहा हूं। एक और चीज बढ़ेगी और वो है पर्यटन टूरिज्म। इस क्षेत्र में जो हमारे महत्वपूर्ण पौराणिक स्थान भगवान राम से जुड़े हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों से जुड़े हुए हैं, उनका अब अधिक प्रचार प्रसार हो पाएगा। इससे यहाँ के युवाओं को अपने पारंपरिक कामकाज के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। एक और चीज बढ़ेगी और वो है पर्यटन टूरिज्म। इस क्षेत्र में जो हमारे महत्वपूर्ण पौराणिक स्थान भगवान राम से जुड़े हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों से जुड़े हुए हैं, उनका अब अधिक प्रचार प्रसार हो पाएगा। इससे यहाँ के युवाओं को
अपने पारंपरिक कामकाज के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि वॉटरवे और एयरवे पर भी काम तेजी से चल रहा है। गंगा जी में बनारस से हल्दिया तक चलने वाले जहाज इस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को और आगे ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी 12 एयरपोर्ट इसी योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। अब दूसरे राज्य में जाकर अपना लोहा मनवा सकते हैं तो जब उन्हें यहीं पर सही अवसर मिल जाए तो निश्चित तौर पर वो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर सकते हैं। हमेशा सपना देखा है हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सके, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार उड़ान योजना को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। इस योजना के माध्यम से कि एक घंटे तक के सफर करने के लिए 2,500 रुपये से ज्यादा न खर्च करना पड़े। आज इसी का नतीजा है कि पिछले साल जितने लोगों ने ट्रेन के एसी कोच में सफर किया उससे अधिक लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की। मिल करके सभी परिवारवादी पार्टियां, ये सारे लोग सुनते देख लीजिए, ये परिवारवादी पार्टियां, ये सारी परिवार पार्टियां मिलकर के अब आपके विकास को रोकने पर तुले हुए हैं। हमेशा के लिए बंद हो जाए। इन सारे दलों की पोल को 3 तलाक पर इनके रवैये ने भी खोल दिए। महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं ये सारे दल मिलकर के मुस्लिम बहन बेटियों के जीवन को और संकट में डालने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार देश के नागरिकों आवश्यकताओं को समझते हुए योजनाएं बना रही है, फैसले दे रहे हैं, ऐसे फैसले जिनका बरसों से इंतजार, जिन्हें पहले की सरकारें सिर्फ उन फैसलों को लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। आपकी हर जरूरत के प्रति ये सरकार